अब भी हमारे साथ मौजूद हैं जो वुमेन्स क्रिकेट टीम की सीनियर खिलाड़ी हैं। नैन, आजकल कैसे वक्त गुजार रहे? आजकल प्रैक्टिस चल रही है, अपने ससुराल में भी हूँ, वो भी देखती हूँ, साथ में प्रैक्टिस हो रही है, मैचेस हम लोगों ने अरेंज कराए हुए और आपके सामने आप फिटनेस करने के लिए आई हूँ, तो अपनी फिटनेस को बहुत ज़्यादा मैंने फोकस रखा हुआ है कि मैं क्रिकेट में वापस आऊँ और अपनी फिटनेस को बेहतर कर सकूँ और ऐसे ही ना बैठी रहूँ, क्योंकि 11 साल का जो अरसा है बहुत ज़्यादा होता है और एकदम से फोर्सफुली किसी प्लेयर को या किसी स्पोर्ट्स पर्सन को आप बिठा लो तो वो एक ज्यादती है। 11 साल का अरसा आपने टीम के साथ गुजारा, पहली मरतबा आप ड्रॉप हुई, कितना मुश्किल होता है एक खिलाड़ी को ड्रॉप होने के बाद कमबैक करना? मेरे लिए मैं समझती हूँ ये अच्छी चीज़ है। शादी के बाद थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ता है, अपने ससुराल वालों को भी, उनकी फैमिलीज़ को और अपनी भी फैमिली को टाइम देना पड़ता है, तो बड़ा अच्छा था कि मैंने इन सब चीज़ों को साथ साथ लेके चली हूँ, अपनी फिटनेस, अपनी परफॉर्मेंसेज भी, यहाँ पे मैं प्रैक्टिस मैचेस खेल रही हूँ, यहाँ पे फिटनेस करने आई हूँ, तो बाकी प्लेयर का तो देखें ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है, पार्ट ऑफ क्रिकेट है इन आउट होना, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बाकी इंशाल्लाह डोमेस्टिक में अपनी परफॉर्मेंसेस देके अपनी फिटनेस को बेहतर करके वापस आऊंगी। काफी मीडिया में बड़ी बातें हैं कि आप कराची के गैंगस्टर हैं, आपने कोई ग्रुप बनाया हुआ है टीम में? पर लेकिन इतने सालों से क्रिकेट जब कोई खेलता है तो आपकी पसंद नापसंद होती है, तो काफी जो अल्लाह का शुक्र है कि जितनी भी कराची में लड़कियां हैं सब मुझसे बहुत ज्यादा अटैच हैं, खास करके जितने भी यंगस्टर्स हैं, तो अगर उसको गैंग कह लें, ग्रुपिंग कह लें, कुछ भी कह लें, वो लोगों की अपनी सोच है, लेकिन मेरा अल्लाह का शुक्र है जितनी भी लड़कियां मेरे साथ हैं, मैंने उनको पूरा कोशिश किया कि मैं अच्छा टैलेंट पाकिस्तान को दे सकूं, हमारे सीनियर्स के बाद जाने के बाद इन्हें नहीं खेलना अल्टीमेटली, तो हमारे बाद यही लड़कियां जगह लें, और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे साथ खेल के 8 से 10 लड़कियों ने डेब्यू किया पाकिस्तान के लिए, और पूरी कोशिश है कि इन लोगों को तैयार किया। कुछ ऐसी चीजें भी देखें कि आप लोग के होते हुए कोई नया टैलेंट सामने नहीं आया, कुछ ऐसा? टैलेंट है लेकिन उसको देखें तराशना पड़ता है, और इसमें डोमेस्टिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमारा सिस्टम का चेंज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास टैलेंट है बट वो टैलेंट पॉलिश नहीं हो रहा, वो टैलेंट उस तरह से वापस नहीं आ रहा जिस तरह से हमारे बाद आना चाहिए, तो तभी अभी तक सीनियर्स भी इसी वजह से इस टीम के अंदर हैं, बिकॉज हमारे पास नया टैलेंट इस वक्त आ नहीं रहा। अच्छा, आप समझते हैं कि वुमेन्स टीम इस टाइम जो है सही ट्रैक पे चल रही है या उसमें कुछ खामियां हैं? देखिए अभी नए कोच आए हैं, माकुल सुना है कि काफी अच्छे हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब जो खामियां होती हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं और बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करते हैं, प्लेयर को देखें वैल्यू देनी पड़ेगी, प्लेयर्स को उनकी ही थिंकिंग के साथ उनको सिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, तभी प्लेयर इंप्रूव करेगा, अगर आप जबरदस्ती प्लेयरों के ऊपर चीजें डालोगे, उनकी एबिलिटी के खिलाफ डालोगे, वो प्लेयर कभी भी इंप्रूव नहीं करेंगे, तो आई थिंक ये जो कोच हैं ये काफी अच्छे हैं और आई होप कि इंशाल्लाह आगे भी रिजल्ट्स हमारे अच्छे हैं, अगर लेकिन कंसिस्टेंसी बड़ी जरूरी है टीम की भी, मैनेजमेंट की भी और कोचेस की भी, हम वर्ल्ड कप से पहले हमारे 4 कोच चेंज हुए, जो कि आई थिंक एक इनजस्टिस है प्लेयर्स के साथ, टीम के साथ, आई थिंक इन प्लेयर्स को इस टीम मैनेजमेंट को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए ताकि ये सेटल डाउन हो सके और एक दूसरे को समझ सके, तो जितने कम रिसोर्सेज में हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं ये मैं शाबाशी दूंगी लड़कियों को, और जो लोग तनकीद करते हैं पूरा उनका हक है कि वो क्रिटिसाइज कर सकते हैं टीम को क्योंकि वो उनकी टीम है, बट ये कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो जिसमें बेहतरी हो टीम के लिए, वो क्रिटिसिज्म ठीक है, बेफजूल की तनकीद अच्छी नहीं।